मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अडिग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरूआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान
कच्छ के धोरडो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोरडो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। मेरे परिवारजनों, भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी कहा भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा, सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा, प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैं 2016 में इसी क्षेत्र में दिवाली मनाने आया था, तब से लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन आज देश में हो रहा है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरूरत के समय
दूसरे देशों की ओर नहीं देखना होगा। इससे हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है, हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। हां, टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रसार के बीच मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को हमेशा सर्वोपरि रखना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी कभी मानवीय संवेदनाओं पर हावी ना हो। साथियों, आज स्वदेशी संसाधन और टॉप क्लास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी ताकत बन रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें नारी शक्ति भी बड़ी भूमिका निभा रही है। बीते वर्षों में इंडियन आर्मी में 500 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। आज महिला पायलट राफेल जैसे फाइटर प्लेन उड़ा रही है। वॉरशिप पर भी पहली बार विमेन ऑफिसर्स की तैनाती हो रही है। सशक्त, समर्थ और संसाधन संपन्न भारतीय सेनाएं दुनिया में आधुनिकता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। साथियों, सरकार आपकी जरूरतों का भी, आपके परिवार का भी पूरा ध्यान रख रही है। हमारे सैनिकों के लिए अब ऐसी ड्रेसेस बनी हैं जो अमानवीय तापमान को भी सहन कर सकती है। आज देश में ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो जवानों की शक्ति भी बनेंगे और उनका जीवन भी बचाएंगे। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के तहत भी अब तक 90,000 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं। साथियों, देश जानता है कि आपका हर कदम इतिहास की दिशा निर्धारित करता है। आप जैसे वीरों के लिए ही कहा गया है, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे विश्वास है आप इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहेंगे। आपके सहयोग से राष्ट्र विकास की नींव नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। Monday, Monday, Monday.
वंदे 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 भारत माता की। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।